Hello everyone and welcome to Rupinder's online classes and courses. I hope you all are well and in the pink of your health. Do you know what it means? Iska matlab hai aap sare bahut achhi sehat mein hoge, aap sare bahut healthy position mein hoge. To ab hum jante hain ki aaj hum padhne kya wale hain. Yes, we are going to discuss The Doll's House written by Catherine Mansfield. और ये टॉपिक पसंद सबको आएगा लेकिन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इलेक्टिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में ये शॉर्ट स्टोरी है सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक द डॉल्स हाउस सो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैथरीन मैन्सफील्ड एज एन ऑथर उनकी लाइफ कैसी थी एज एन ऑथर उनका बैकग्राउंड कहां से है सो हर रियल नेम वॉज कैथरीन मैन्सफील्ड मरे यस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिस इज हर रियल नेम कैथरीन मैन्सफील्ड का रियल नेम है कैथरीन मैन्सफील्ड मरे लाइफ स्पैन है उनका इसका मतलब होता है कि उनका बर्थ कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई सो शी टुक बर्थ ऑन 14th of October 1888 एंड शी डाइड ऑन 9th of January 1923 हर पेन नेम वाज कैथरीन मैन्सफील्ड पेन नेम का मतलब होता है वो नाम जो राइटर्स अक्सर अपनी राइटिंग्स को देते हैं अपना नाम यूज करने की बजाय वो एक पेन नेम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी नाम को यूज किया जाता है जिस टाइम पे इस ऑथर ने लिखना शुरू किया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा फीमेल राइटर्स नहीं लिखते थे तो ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि क्यों उन्होंने डिफरेंट नेम चूज किया जबकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैथरीन और कैथरीन में कैथरीन मैन्सफील्ड्स बर्थ प्लेस तो कहाँ इनका जन्म हुआ था दैट इज थॉर्नटन न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड में इनका बर्थ हुआ था एंड यू कैन सी दिस पिक्चर ये पिक्चर इनकी बर्थ प्लेस की है ये न्यूजीलैंड की पिक्चर है जहाँ इनका बर्थ हुआ था इनकी बर्थ प्लेस इनके घर की पिक्चर है द नेम ऑफ अ फादर वॉज हैरल्ड ब्यूचम ब्यूचम सो हियर द पी इज साइलेंट बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन Her father was Harold Beauchamp and the name of her mother was Annie Bonnell Beauchamp. Mansfield had two elder sisters. Inki do badi behne thi. A younger sister, ek choti behen thi and a younger brother. To inki do behne badi thi aur inse chote do bhai behen bhi the. She moved to London in 1903. To 1923 mein inki death hoti hai. और ये लंदन कब जाती हैं 1903 में आई होप ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर क्लियर एंड दीज विल बी हेल्पफुल फॉर नॉट ओनली द ग्रेजुएशन स्टूडेंट एज वेल एज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हु हैव टू अपीयर इन नेट नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स सो वॉट The story of the doll's house is all about. Story क्या है तो जैसे टाइटल ही इसका सिग्निफाई कर रहा है शो कर रहा है हमें बता रहा है स्टोरी रिवॉल्व अराउंड डॉल्स हाउस तो स्टोरी एक डॉल्स हाउस जिसको हम गुड़िया का घर कह सकते हैं उसके आसपास घूमती है और जो टाइटल है दैट इज जस्टिफाइड क्योंकि शुरू से लेके एंड तक दो ही तरीकों में हम टाइटल को जस्टिफाइड बोलते हैं या तो स्टोरी टाइटल के इर्द गिर्द घूमती हो और या टाइटल आयरोनिकल हो कि टाइटल से रिलेटेड कोई बात भी बीच में नहीं आई है यही दो रीजन है जिस जहां से हम कहते हैं कि टाइटल जो है सिग्निफाइड है सो इट रिवॉल्व अराउंड डॉल हाउस इट डील्स विद साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो स्टोरी है वो बच्चों की साइकोलॉजी के साथ डील कर रही है कि कैसे एक नया प्रेजेंट देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कैसे किसी भी बच्चे का टॉय उनको अपने टॉय से बेहतर लगता है कैसे वो हमेशा ही चाहते हैं कि उनके फ्रेंड के सारे टॉयज उनको मिल जाएं या वो वही टॉयज जाके देखें और उनसे खेलें
Then another important factor is innocence of children. How the children, they are very far away from all kind of discriminations. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमीर हैं, कोई गरीब है, बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं. और हमें भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं, वो अमीर या गरीब के नहीं होते. Then class distinction in the society. मैं कह तो रही हूँ कि बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता. हम यूजुअली देखा है हमने सोसाइटी में कि अमीरी गरीबी का जो भेदभाव है वो रहता ही है. सो क्लास डिस्टिंक्शन है सोसाइटी की, जो यहाँ इस स्टोरी में भी हमें नजर आएगी. अब डॉल हाउस में तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन डॉल हाउस के आसपास हमें अमीरी और गरीबी का ये डिस्टिंक्शन जो है ये नजर आएगा. देन हाउ प्रेजुडिसेस ट्रेवल फ्रॉम मैच्योर माइंड्स टू इमैच्योर माइंड्स. अगर हम बात कर रहे हैं सोसाइटी में डिस्टिंक्शन है, सोसाइटी में भेदभाव है, तो वो जो भेदभाव है वो कैसे मैच्योर माइंड्स मतलब बड़े लोगों के दिमाग से निकल के वो ट्रेवल करते हैं छोटे बच्चों के दिमाग तक. इसीलिए हमें बहुत बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए बच्चों के आगे, क्योंकि वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी से, इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर चिल्ड्रन. तो यहां अगर बच्चे देख रहे हैं कि बड़े भेदभाव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे वो चीजें सीखेंगे और वही चीजें अपनी लाइफ में आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने यहाँ बात कर ही ली है, दैट इज रिच वर्सेस पुअर. अमीर और गरीब का आपस का डिफरेंस, आपस का डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो कौन कौन से करेक्टर्स हैं, अब नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्टर्स मेंशनड इन द शॉर्ट स्टोरी. सो यहाँ पे दो फैमिलीज की इम्पॉर्टेंटली बात हो रही है. एक है बर्नल फैमिली. दीज बर्नल्स दे रिप्रेजेंट द रिच क्लास, ये रिच हैं. और दूसरे हैं हमारे पास कैलवे फैमिली, और ये जो हैं दीज आर पुअर चिल्ड्रन. तो ये अमीर ऊपर वाले तीन, इजेबल, लाटे, केजिया, ये तीनों अमीर अपर मिडिल क्लास की बच्चियां हैं. और ये कैलवे चिल्ड्रन जो हैं लिल एंड एल्सी, दीज टू किड्स, दीज टू गर्ल्स, दे बिलोंग टू द पुअर क्लास. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द शॉर्ट स्टोरी. द वे इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, इस शॉर्ट स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है इस डॉल हाउस की डिटेल्स. यू कैन हैव वन ऑफ दीज क्वेश्चंस कि डिस्क्राइब द डॉल हाउस, या डॉल हाउस की अगर कोई बात आ रही है, इफ यू हैव अ लॉन्ग आंसर टू राइट, डेफिनेटली द डिटेल्स विल बी मेंशनड. सो बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे. जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग इन योर माइंड. सो कैसा है ये डॉल हाउस जो बच्चों के घर पे आया है. बच्चों के एक रिलेटिव ने, एक आंट ने ये गिफ्ट उनको प्रेजेंट भेजा है. और कैसा दिखता है ये घर जो बच्चों के पास है. इट्स डार्क ऑयली स्पिनच ग्रीन कलर. तो ये डार्क ग्रीन कलर पालक का कलर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस कलर का घर है ये. देयर आर टू सॉलिड लिटिल चिमनीज इन रेड एंड व्हाइट. आपको यहाँ ऊपर ये चिमनीज नजर आ रही होंगी. लेट मी यूज द हाइलाइटर टू शो इट. ये रहा हमारा इसका ग्रीन पार्ट, दिस वन, एंड देन वी हैव दीज टू. ये ग्रीन कलर का घर हो गया. दीज टू आर द रेड एंड व्हाइट चिमनीज, सॉलिड चिमनीज हैं घर के ऊपर. येलो कलर डोर. सो जस्ट फॉलो दिस एरो एंड यू लैंड हियर. दिस इज द येलो कलर्ड डोर जो एक कैंडी की तरह लग रहा है. चैप्टर में ये मेंशन हुआ है, इट लुक्स लाइक अ कैंडी. देन देयर आर फोर विंडोज डिवाइडेड बाय पेन्स. तो यहाँ पे फोर विंडोज हैं. लुक एट द पिक्चर, 1, 2, 3 एंड 4. और ये इन पे विंडो पेन्स लगे हुए हैं. दीज आर डिवाइडेड बाय द विंडो पेन्स. देन देयर इज अ स्मॉल पोर्च. स्मॉल पोर्च है. जस्ट फॉलो दिस एरो एंड यू लैंड हियर. दिस इज द स्मॉल पोर्च. सो दीज आर द एक्सटीरियर्स ऑफ द डॉल हाउस. अब यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं होती, देयर इज मोर टू इट. इंटीरियर्स कैसे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो
the way it's visible in the picture, all these details are mentioned in the chapter. तो अगर आपने ये picture अच्छे से देख ली, आपने इस video को अच्छे से देख लिया, you will be clear about, आपको ये chapter दोबारा से learn नहीं करना पड़ेगा. So as far as the interiors are concerned, अब सबसे पहले इस doll house को घर में कौन लेके आया है? एक aunt है बच्चों की जो घर पे रह के गई है, and she has sent them a surprise gift. बच्चे बहुत खुश हैं, bonal children जो हैं, they are very happy. और इनके कार्ट ड्राइवर हैं मिस्टर पैट. जो पैट हैं ये इस डॉल हाउस को ओपन करते हैं, राइट. अब क्या क्या दिखता है इनको बच्चों को? एक तो जो पेंट की स्मेल है वो बहुत ज्यादा तेज आ रही है, और जो इनकी मदर है डेफिनेटली शी इज अ अपर क्लास नॉबिश लेडी. उनको कहीं ना कहीं फीमेल्स ऑलवेज फाइंड सम फॉल्ट विद एवरीथिंग, तो विद नो ऑफेंस टू फीमेल्स बिकॉज आई डू हैव, बट यहाँ पे उनको लगता है कि बड़ा तेज दुर्गंध आ रही है पेंट की. बट चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, उनको तो बस सरप्राइज गिफ्ट देके वो बहुत एक्साइटेड हैं. तो घर को खोला जाता है. क्या है अब यहाँ पे डॉल हाउस के अंदर? इट हैज अ ड्राइंग रूम. तो जो हमारा डॉल हाउस है यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है. ये देखिए, ये रहा ड्राइंग रूम. देन देयर इज अ डाइनिंग रूम. ये रहा डाइनिंग रूम, ये वाला. टू बेडरूम्स हैं यहाँ पे, ये रहे वन एंड टू, दीज टू आर द बेडरूम्स एंड अ किचन. और ये रही एक किचन. ऑल द रूम्स हैव रेड कार्पेट्स. तो सारे ही कमरों में रेड कार्पेट है. ये देखिए, बेडरूम में भी, डाइनिंग में भी, रूम में भी, ड्रॉइंग रूम में भी, लेकिन किचन में नहीं है, ये याद रखना है आपने. रेड प्लश चेयर्स इन द ड्रॉइंग रूम विद टू पेरेंट डॉल्स. तो यहाँ पे रेड कलर की ये एक चेयर खाली है, यहाँ पे आपको कलर नजर आ रहा होगा. This is the color of these chairs is red. और ये एक यहाँ पे दो पेरेंट डॉल्स हैं, मम्मा पापा डॉल्स जो हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में नजर आ रही हैं. टू बेबी डॉल्स आर इन द बेडरूम. और यहाँ पे बेबी डॉल, ये देखिए, यहाँ पे एक बेबी सो रहा है क्रेडल में, पालने में. तो दो बच्चे जो हैं वो यहाँ बेडरूम्स में सो रहे हैं. द स्टार अट्रैक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बर्नल चिल्ड्रन को दिखती है, स्पेशली सबसे छोटी बेटी जो केजिया है उसको दिखती है. आई होप द नेम्स विल बी क्लियर. सबसे बड़ी है इजेबल, फिर लॉटी, फिर आती है केजिया, और कैलवे चिल्ड्रन में है लिल और एलसी. यहाँ इसको स्टार अट्रैक्शन क्या है, डाइनिंग रूम के टेबल पे यहाँ पे एक लैम्प पड़ा हुआ है अलादीन के चिराग की तरह. So this looks like an original lamp, but ये ऐसा है नहीं है. तो this is the lamp, और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है. Though it looks like as if it's lit, ये जल रहा ऐसे दिखता है, तो बच्चों को ये वाला lamp जो है ये बहुत पसंद आता है. अब होता क्या है, घर पे आ गया, सरप्राइज गिफ्ट आ गया, चिल्ड्रन आर ओवर एक्साइटेड. अब बच्चों की तरह बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते. Now what they do next? अब सुबह उनसे स्कूल में पहुंचना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दे आर फिल्ड विद एक्साइटमेंट. उनको वो सबको दिखाना है, बताना है. सो बर्नल चिल्ड्रन वांटेड टू टेल एवरीवन अबाउट देयर डॉल हाउस. जो बच्चे हैं वो सबको बताना चाहते थे. मैंने जानबूझ के, देखिए यहाँ पे दो टेंसेस को यूज करा है, बी वेरी केयरफुल. यहाँ मैंने लिखा है दे वॉन्टेड. अगर तो आपको अपना आंसर पास्ट में लिखना है तो आप लिखोगे दे वॉन्टेड, और अगर आपने लिखना है प्रेजेंट में तो यहां आप लिखने वाले हो बर्नल चिल्ड्रन वांट. तो यहां आ जाएगा वांट, वो दिखाना या बताना चाहते हैं. तो वांट आएगा प्रेजेंट में अगर आपने अपना आंसर प्रेजेंट में लिखना है, और वांटेड आएगा पास्ट के लिए. आई होप आई एम क्लियर. सो बर्नल चिल्ड्रन वांट टू टेल एवरीवन अबाउट देयर हाउस. बच्चे जो हैं वो सबको अपने घर के बारे में, इस डॉल हाउस के बारे में बताना चाहते हैं. इजेबल द एल्डेस्ट चाइल्ड इज बॉसी, राइट. मैंने इसीलिए यहाँ पे वांट कर दिया क्योंकि मैंने दोनों ही ऑप्शंस आपको देनी थी. सो इजेबल द एल्डेस्ट चाइल्ड इज बॉसी. ये जो बच्ची है इजेबल, ये बड़ी बॉसी है. जैसे एल्डेस्ट सिस्टर्स होती हैं, उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है. एंड टेक्स द चार्ज ऑफ इन्वाइटिंग टू गर्ल्स एट अ टाइम टू सी द डॉल हाउस. और ये डिसाइड होता है कि दो ही गर्ल्स आएंगी घर पे डॉल हाउस को देखने, क्योंकि स्कूल में जाके बात तो वो फैला देते हैं पहले. क्यों दो दो करके आएंगी? क्योंकि मदर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं.
और डिसाइड कौन करेगा कि कौन टर्न लेगा पहले, वो ऑब्वियसली पहले एल्डेस्ट चाइल्ड के फ्रेंड्स आएंगे. सो सून द डॉल हाउस बिकम्स द हॉट टॉपिक. बड़ी जल्दी ही पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है और डॉल हाउस बड़ा हॉट टॉपिक हो जाता है कि बर्नल्स के पास एक नया डॉल हाउस है विच लुक्स लाइक एन ओरिजिनल हाउस. बहुत मिनिएचर लग रहा है बड़े हाउस का. एक वो मिनिएचर होता है छोटा स्पेसिमेन नमूना, छोटी फॉर्म. सो द बर्नल चिल्ड्रेन आर सराउंडेड बाय द क्लासमेट्स ऑल द टाइम. तो बर्नल चिल्ड्रेन को हर टाइम उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सराउंड घेर के रखते हैं. सराउंडेड मीन्स घेर के रखना. सो दे आर ऑलवेज सराउंडेड, राइट. अब यहाँ पे देखिए ये पैसिव वॉइस का यूज किया गया है. देयर क्लासमेट्स सराउंड द बर्नल चिल्ड्रेन, या अगर आपने पैसिव वॉइस लिखनी है तो बनेगा द बर्नल चिल्ड्रेन आर सराउंडेड बाय देयर क्लासमेट्स. दे ऑल बिलोंग टू सेम सोशल स्टेटस एक्सेप्ट द केल्वेस. सिर्फ दो बच्चियां हैं केल्वेस, उनके अलावा एक्सेप्ट उनके अलावा बाकी सारे दे बिलोंग टू द सेम सोशल स्टेटस. सारे ही ऑलमोस्ट, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर, कोई बैंकर, ऐसे हैं सारे. तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम सोशल स्टेटस और वो आपस में अच्छे से जेलअप भी हैं, घुलते मिलते भी हैं. द केल्वे गर्ल्स आर द डॉटर्स ऑफ अ वॉशरवुमन. अब केल्वेज कौन है? केल्वे बच्चियां जो हैं लिल और एल्जी, दे बिलोंग टू अ वॉशरवुमन. वो एक थोबी की बच्चियां हैं. उनके मदर, शी मूव्स फ्रॉम वन डोर टू अनदर टू वॉश क्लोथ्स ऑफ पीपल एंड शी अर्न हर लाइवलीहुड. अपना गुजारा वो कैसे करती हैं? एक घर से दूसरे घर जाती हैं, लोगों के कपड़े धोती हैं और शी एक्ट्स एज अ मेड, शी एक्ट्स एज अ हाउस हेल्प एंड शी अर्न्स द लाइवलीहुड. और शी इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. शी अर्न्स द ब्रेड बाय वर्किंग, बाय सर्विंग इन पीपल्स हाउसेस. देन दे आर पुअर, गरीब हैं ऑब्वियसली, गरीब हैं एंड देयर फादर इज इन जेल. इट इज सेड दैट देयर फादर इज इन जेल. तो ये भी एक उनके ऊपर एक स्पॉट कह सकते हो आप, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो सोशली लोगों से बड़ी नीचा फील करती हैं कि उनके फादर साथ नहीं हैं और लोग उनको टॉन्ट करते हैं. तो और वो गरीब हैं इसलिए ज़्यादा टॉन्ट होते हैं. देयरफोर दे आर नॉट इनवाइटेड. इस वजह से उनको इनवाइट नहीं किया गया. अब काफी दिन ये सेम रूटीन चलता है. दो दो करके गर्ल्स जा रही हैं, वो देख रही हैं सब कुछ. अल्टीमेटली इट इज नोटिस दैट केल्वेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू द डॉल्स हाउस. जो केल्वे डॉटर्स हैं वो किसी भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है. और केजिया जो सबसे छोटी बच्ची है, जो अभी इतनी मैन्यूपुलेटिव नहीं है, जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेजुडिसेस, बहुत ज्यादा नफरतें नहीं दिमाग में भरी हुई हैं, वो बच्चा शी notices them overhearing. वो उनको नोटिस कर लेती है कि कैसे वो बच्चियाँ बड़ा ध्यान से कान लगा के सबकी बातें सुन रही हैं. लाइक दे आर, यू नो, इंटरनली दे टू फील टू कम एंड सी द हाउस बट दे कैन नॉट. एंड पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ द हाउस. वो उनको नोटिस कर लेती है कि इनका मन है बेचारी बच्चियों का. देयरफॉर शी आस्क्स फॉर हर मदर्स परमिशन टू इनवाइट द केल्वेज. तो वो अपनी मदर से परमिशन लेने की कोशिश करती है, पूछती है उनसे कि वो क्या बच्चों को बुला ले घर पे. बट हर मदर रिफ्यूजेस विच शोज हर प्रेजुडिसेस. तो मदर मना कर देते हैं. और यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि बच्चियाँ ही हैं, आके देख लेंगी, देना थोड़े ना उनको घर. लेकिन फिर भी वी कम टू नो अबाउट दैट दे हैव देयर ओन प्रेजुडिसेस अगेंस्ट देम, दैट दे बिलोंग टू लो सोशल स्ट्रेटा, दे aren't equal to them, they are poor, and the father is in jail, maybe he is criminal. अब reason तो कुछ भी हो सकता है, या वो criminal हो सकते हैं या वो किसी criminal case में फंसाए गए हो सकते हैं. But if someone is in jail, तो हमें पता है, हमें यही हम first impression लेते हैं कि that person is criminal. It is seen that Calvays are often taunted. तो बच्चे भी उनको बहुत टॉन्ट करते हैं. गर्ल्स ऑफन अक्सर ये चीज़ें बोलती हैं कि बड़ी हो के ये तो हाउस मेड्स ही बनेंगी, ये तो हाउस हेल्प्स ही रहेंगी. मतलब दे कैन नॉट डू वेल इन देयर लाइफ. और अल्टीमेटली उनको भी अपनी मदर की तरह सेम प्रोफेशन को अपनाना है. तो बच्चे भी उनको टॉन्ट करते हैं. और बच्चे टॉन्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने घर पर ये सब नॉर्मली देखा हुआ है, सुना हुआ है. वन डे केजिया स्टेड एट द गेट ऑफ हर
house, अब यहाँ पे दोबारा से मैं क्यों बार बार जंप करके, और मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ जंप किया है टेंस को, तो अगर पास्ट में लिखना है तो आएगा एक दिन केजिया स्टेड एट द गेट, केजिया जो है वो गेट पे खड़ी रहती है, और अगर इसको प्रेजेंट करना है तो आएगा शी स्टेज एट, ओ सॉरी, सो अगर आपने इसको प्रेजेंट में करना है तो यहां पे मैं सिंपल यही बता देती हूँ, ये ईडी काट के इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट एस इफ यू आर राइटिंग इट इन प्रेजेंट टेंस, तो यहां आएगा एस अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, राइट यहां एस आ जाएगा, केजिया स्टेज, राइट केजिया स्टेज एट द गेट ऑफ अ हाउस व्हाइल हर सिस्टर्स गेट बिजी, वो दोनों बिजी हो जाती हैं, जैसे मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ इसका मीनिंग भी ऐसे ही आएगा, तो टेंसेस मैंने ऑलरेडी उसमें सिखा रखे हैं आपको, बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है, काइंडली रेफर टू दैट, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, अगर केजिया स्टेड एट द गेट, केजिया गेट पे खड़ी रही, और अगर मैं कहूँ शी स्टेज एट द गेट, इसका मतलब होता होगा वो खड़ी रहती है, राइट तो हम यहाँ ऐसे करके इसको डिफाइन कर रहे हैं एज इफ the story is happening in front of our eyes. So one day Kezia stays at the gate of her house while her sisters get busy in attending their friends. तो बच्चियों को तो पता है हमारे friends देखने वाले आने वाले हैं, तो वो अपना जाके change करने में busy हो जाती हैं क्योंकि उनको friends को attend करना है, और ये बच्ची अंदर नहीं जाती करके ये gate पे खड़ी रहती हैं. अब आगे क्या होता है? केजिया आस्क द केल्वे सिस्टर्स टू स्टॉप, ये बच्ची उनको रोक लेती है, केल्वे सिस्टर्स को ये बोल देती है कि यहाँ रुक जाओ. एट दिस दे फील सरप्राइज्ड बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट, तो वो बच्चियाँ बहुत हैरान हो जाती हैं, दे फील सरप्राइज्ड. अब सरप्राइज्ड के अगर मुझे आपको वोकैबुलरी साथ साथ देनी हो, देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सरप्राइज, सो दे फील एस्टॉनिश्ड, दे फील मेस्मराइज्ड इवन, बहुत अच्छा लगता है उनको, दे फील स्टंड, अगर बहुत जबरदस्त आपको हैरानी होती है तो दे फील स्टंड इवन, सो उनके लिए ये शॉक है, दे विल फील शॉक्ड, आपको खुशी और गमी दोनों में शॉक लग सकता है, सो दे फील सरप्राइज्ड बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट, आर नॉट यूज्ड टू इट और आई एम यूज्ड टू इट का मतलब होता है हैबिचुअल होना, तो दे आर नॉट यूज्ड टू इट, वो इसके हैबिचुअल आदि नहीं है, उनको आदत नहीं है ये कि कोई ऐसे उनको चलते फिरते बुला ले घर पे या रोक ले. सो केजिया इनवाइट्स देम टू सी द डॉल हाउस एंड व्हेन शी, यहां पे अब देखिए क्या मिस्टेक है, आई कैन नॉट इवन वेट फॉर यू टू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन, यहां पे आएगा शी इज, अब ये ऐसी मिस्टेक्स मैंने करके यहां आपको खुद दिखाई हैं जिनसे आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आप एक लाइन में लिखते लिखते टेंस को जंप नहीं कर सकते, पेपर में आपके नंबर कटेंगे इन चीजों के, राइट. केजिया इनवाइट्स देम टू सी द डॉल हाउस एंड व्हेन शी इज शोइंग, क्योंकि यहां हमने इनवाइट्स लगाया है, यहां पे वॉज नहीं आएगा, अगर हम यहाँ इनवाइटेड रखते तो यहाँ पे वॉज ठीक था. सो व्हेन शी इज शोइंग द डॉल हाउस टू देम, आज Beryl, Aunt Beryl अब आ जाती हैं. She suddenly orders the Kelways to leave the courtyard. तो एकदम से आके वो ऑर्डर करती हैं कि फटाफट से बाहर हो जाओ. कोर्टयार्ड होता है हिंदी में अगर हम बोलें आपका आंगन, और पंजाबी में बोलें तो इट्स योर वेड़ा, राइट. सो शी आस्क्स द केल्वे चिल्ड्रन टू लीव द कोर्टयार्ड एंड स्टार्ट्स अब्यूजिंग केजिया. उसको केजिया पे गुस्सा आता है कि इस लड़की का इतना दिमाग खराब है, इनको इसको पता ही नहीं कि किसको अंदर लाना है किसको नहीं लाना. सो शी गेट्स एंग्री. Elsie and Lil silently leave the house. वो चुपचाप बच्चियां भला बुरा सा सुन के क्या कहें, वो अपनी मर्जी से तो आई भी नहीं है. एंड दे डोंट हैव दैट यू कैन से दे डोंट हैव गट्स इवन टू से कि हमें इनवाइट किया था आपकी बेटी ने, बट वो कुछ नहीं कहती बच्चियां. दे साइलेंटली लीव द हाउस एंड Elsie tells Lil that she has seen the little lamb. ये हैं वो बच्चियां, और वो जाते जाते जब वो घर से काफी दूर चली जाती हैं, घर उनकी नजर से दूर हो जाता है, वो काफी आगे चली जाती हैं,
एलसी एकदम से लिल को बताती है कि उसने वो छोटा लैंप देखा है. एंड द चैप्टर एंड्स ऑन द गैलवेज नेवर फेल्ड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. दिस इज द लास्ट ऑलमोस्ट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पे ये लिखा है राइटर ने कि गैलवेज ने कभी भी वो एक दूसरे को समझने में फेल नहीं हुई. मतलब वो दोनों बच्चियां एक दूसरे की सपोर्ट हैं, वो दोनों बच्चियां एक दूसरे का सहारा हैं, एक दूसरे के साथ खड़ी हैं. और यहाँ गलती किसकी है? उन अपर क्लास लोगों की जिन्होंने बच्चों के दिमाग को भी पल्यूट किया हुआ है. एंड दैट्स इट. विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द डॉल्स हाउस. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. So that is all for today, and I hope you all are going to take benefit of this video and prepare for your final exams whenever they will be. Kyunki is baar ke to abhi they are over, and definitely it will be helpful for you in future too. With this, I take leave of you. Take care. Bye bye. Stay safe and stay healthy.